हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय उपसंचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहां पर विज्ञापन जारी किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यहां पर 6 मार्च 2023 को, जिसके अंतर्गत यहाँ पर माइक्रो वाटर सेट सचिव के लिए यहाँ पर पद खाली है। कुल पदों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें कुल 15 पद खाली है यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है, ये जो विज्ञापन है, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा PDF, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप बलरामपुर ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस बात करते हैं माइक्रो वाटर सेट सचिव, जो कि संविदा के रूप में भर्ती किया जाना है, जो कि बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत 2 विकास खंड में यहाँ पर कुल 2 परियोजना स्वीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत ये पद यहाँ पर खाली है। अब बात करते हैं, इसमें परियोजना जो है एक बलरामपुर में है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है माइक्रो वाटर सेट सचिव समिति का नाम, और इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन से ग्राम पंचायत आता है वो, और कितने पद हैं और कौन से वर्ग के लिए जो पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुल 7 पद है बलरामपुर ये जो है इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है आवेदन करने के लिए, ठीक है। पद दिया गया इसमें 7 पद है। दूसरा परियोजना जो है आपका रामचंद्रपुर की, ठीक है, ये जो दिया गया है इसमें कुल 7 पद इसमें हैं, 8, ठीक है, 8 यहाँ पर समिति का नाम और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम बहुत सारे दिया गया है, सभी ग्राम पंचायत में एक एक पद है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सभी 8 ग्राम पंचायत में एक के लिए यहाँ पर एक पद, इस प्रकार से सभी जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है, तो कोई भी वर्ग के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए योग्यता की बात किया जाए तो केवल 12वीं पास होना चाहिए और संबंधित सम्मिलित ग्राम पंचायत का निवासी और कंप्यूटर चलाने का अनुभव के पास होगा तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो वही मेरिट के आधार पर होगा चयन, जिसमें से 85 अंक आपको दिया जाएगा शैक्षणिक योग्यता का 12वीं का, 1 से 2 वर्ष का अनुभव होगा तो 5 अंक, 5 वर्ष तक का अनुभव होगा तो आपके पास 10 अंक आपको दिया जाएगा, और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होगा तो आपको 15 अंक आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से मेरिट बनेगा, इसी प्रकार से चयन होने वाला है। आयु सीमा इसका जो है 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अवधि जो है केवल 1 वर्ष के लिए है, और जैसे ही आपका 1 वर्ष होगा आपका जो है पद यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। संविदा के रूप में नियुक्ति किया जाना है। अब इसमें अवकाश की पात्रता ये सब दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। और वेतन जो है आपको 5000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी आपको विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, भाड़ा कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको जाति निवास वगैरह आपको प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन की बात किया जाए तो 21 मार्च 2023 तक शाम को 5 बजे तक एक तो पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें संबंधित आपके जो अंक सूची वगैरह है सभी की छाया प्रति आपको इसमें अटैच करने होंगे, ठीक है। बाकी और भी जो जितना महत्वपूर्ण था मैं बता दिया हूँ। इसका आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है प्रारूप, इसी में यहाँ पर PDF के लास्ट में दिया गया है, इसके अच्छे से भर सकते हैं, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जेरोक्स आपको इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें अटैच करना है और इसे स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। अंतिम तिथि यहाँ पर 21 मार्च है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।